इस शर्ट पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरी है कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। आंखों का तसव्वुर लेकर बिन पिए यूं ही महकते रहना, इश्क नशा खूबसूरत चीज, नीली आंखें गुलाबी होंठ। यकीन करें मैं इनमें से किसी एक का जिक्र भी यहां नहीं करने वाली, क्योंकि अफ़ाक ने अपनी किताब में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। उनकी किताब पढ़ने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकती हूं कि अफ़ाक आज सर उठा के बड़े एतमाद के साथ ये दावा कर सकती हैं, उसी पत्थर पे सर ताले खड़ी हूं मुझे जिसके तले दाबा गया था। अफ़ाक का दिल मोहब्बत से लबरेज है, मगर ये मोहब्बत मस्त कर देने वाली नहीं, बल्कि सारी मस्ती उतार के आपको सच की एक ऐसी पथरीली पगडंडी पे ला खड़ा करती है कि आप पसीना पहुंचते नजर आते हैं। इंतजार की घड़ियां अफाक पे भी कठिन गुजरती हैं, मगर ये अपने महबूब के कदमों की आहट नहीं, बल्कि उस नकारे के मुंतजिर हैं जो इंसाफ की अंधी और बहरी देवी के मुर्दा जिस्म में रूह फूंक सके। रंग खुशबुएं और मुस्कुराहटें उन्हें भी अच्छी लगती हैं, मगर उस वक्त जब वो नन्हे मुन्हे मासूम बच्चों के चेहरों में नजर आए और जिंदगी जिंदा महसूस हो। चौखट से लगे निस्वानी वजूद उन्हें भी नजर आते हैं, मगर उस वक्त जब घर के अकलौते कमाने वाले को फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया जाता है और घर की मां बहनें और बेटियां मदद की आस पे आंखें बंद के चौखट पे टिक जाती हैं। नाजुक उंगलियों का जिक्र अफाक भी करती हैं, मगर उस वक्त जब नन्हे मुन्ने हाथों पे रखा कशकोल इनकी आंखों की रोशनी बिछा देता है। जज्बों, उमंगों और ख्वाबों से भरपूर लोगों का जिक्र भी अक्सर करती हैं, मगर उस वक्त जब एक हमला औरत को ईंटे मार मार के सरेआम कत्ल कर दिया जाता है कि उसने एक औरत होते हुए मोहब्बत की शादी पर जुर्म किया, या उस पर जब खिदमत के जज्बे से लबरेज एक जवान डॉक्टर को उसकी फैमिली के सामने गोलियों का निशाना बना दिया जाता है कि वो एक अकलियत से था। हाजी ने महफिल, जब आप फिर से जान हुए इन ख्याल को पढ़ने बैठे तो हिफाजती इकदाम जरूर करें, वरना अफाक की तरह आप ही यकीन ये फरियाद करते हुए नजर आएंगे कि अजब तो ये है कि कोशिश हमेशा करती है, अजब तो ये है कि कोशिश हमेशा करती है, ये जिंदगी ही मुझे मार डालने के लिए। अपने लोगों और इंसानियत से मोहब्बत का जो एहसास अफाक के दिल में जड़ें पकड़ चुका है, वो ना तो कभी लिखने वाली को चैन से बैठने देगा और ना पढ़ने वालों को। कई जगह मारे गुस्से के आपके कानों से धुआं निकलेगा और कई जगह मारे बेबसी के आंखों से आंसू। हाजी निकराम, अफाक की किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे अफाक को मीठे से मुकम्मल परहेज है, कड़वी सच्चाइयां और तलख लहजा कई बार गले में ऐसे फंस जाता है कि सांस लेनी मुश्किल हो जाती है और मेरे जैसे मीठे के शौकीन बिलबिला उठते हैं। ठीक है अब्बा, चीनी बहुत बुरी सही, लेकिन थोड़ा स्वीटनर हो तो काम चलेगा। अगरचे किताब में लिखी गई कई एक बातों पे मैं अफाक से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इनकी बहादुरी और हौसले को
सलाम पेश करती हूँ। एक औरत होने के नाते और ख़ास तौर से एक पाकिस्तानी औरत होने के नाते मुआशरे के उन नासूरों के बारे में खुल कर लिखना जिन पे बात करने से पहले मर्द हजरात की सो बार अपने नफे नुकसान के बारे में सोच लेते हैं अफाकी का हासिल है। अपने तंग जहनों की बंद खिड़कियों के पीछे खड़े लोग चाहे मुझे आप बुरी औरतें कह के बुलाते रहे, आइए हम ये वादा करते हैं कि बे आवाजों की आवाज बनके अपनी माँ बहनों और बेटियों के लिए हम लिखेंगे और लिखते रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में दुनिया में कोई उससा मुनाफिक नहीं कतील, दुनिया में कोई उससा मुनाफिक नहीं कतील जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। थैंक यू।